वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल सफ़र विद पॉल। हम लोग अभी आ चुके हैं ISBT, एक नए सफ़र के लिए निकल चुके हैं। आज है 29 नवंबर 2023 और ये कोई रेल जर्नी नहीं, ये है बस जर्नी। हम जा रहे हैं दिल्ली से मनाली, वो भी भाई साहब ये देख सकते हैं लक्ष्मी हॉलीडेज़ की स्कानिया बस में। भाई साहब हम पहला रूट ही कवर करेंगे, इससे पहले गए थे लेकिन कवर नहीं किया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। बस आने दीजिए, पैसे भी लेके आइए भाई साहब, ये देख सकते हैं पूरा एकदम तैयारी के साथ आया हुआ है। बाकी लगेज जगह हमारे यहाँ रखा है वो, हम लोग यहाँ खड़े हैं और 6:30 बजे की बस है हमारी, करीब 12 घंटे की जर्नी रहेगी और हम कल सुबह पहुंच जाएंगे 6:30 बजे मनाली। तो चलिए बस को आने दीजिए, बस का इंटीरियर, टाइमिंग, पंक्चुअलिटी, क्लीनेस सब कुछ दिखाया जाएगा आपको। जर्नी भी इंजॉय करें हमारे साथ, बस आने दीजिए, फिर मिलते हैं आपसे डायरेक्ट फटाफट। तब तक इस थोड़े पैसे लेते हैं और ये सामने पिज़्ज़ा डोमिनोज़ है, यहाँ से अगर पिज़्ज़ा खाएगी वो लेते हैं चल के फटाफट। बैठे हैं, ये बिल्कुल ISBT का मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 लगता है, उसके अंदर मतलब खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था है। तो ये बज रहा है करीब 4:30, तो 6 बजे की हमारी बस है। तो भाई साहब टाइम है कि हमने सोचा कि भाई साहब पिज़्ज़ा पुज़्ज़ा खा ले, ये जिद कर रही थी। ये भाई साहब पिज़्ज़ा खा रही है, हम लोग पिज़्ज़ा लिया है, गार्लिक ब्रेड लिया है, एक कोल्ड ड्रिंक है। फ्रेंड टाइम देखिए अभी 5:11 हो रहा है, तो अभी हम लोग यहीं बैठे लक्ष्मी हॉलीडेज में, हमने डोमिनोज खा लिया यहाँ से और करीब 6:30 बजे की बस है। 6 बजे से वेट कर रहे हैं कि बस आएगा। बाकी अगर यहाँ पर हम लोग आते हैं ना, अगर आप ISBT कश्मीरी यहाँ से आपको मनाली, शिमला, मसूरी, वहाँ की हिमाचल की बसें आपको मिल जाती है। तो चलिए बस को लगने दीजिए, हम भी वेट कर रहे हैं भाई साहब, काफ़ी एक्साइटेड है सब लोग जर्नी के लिए। वन आवर के बाद बहुत दिनों बाद जर्नी कर रहे हैं, वो भी वोल्वो से भाई साहब, मजा आने वाला है। एक सबसे एंड में बताऊंगी कि मम्मी और पापा का क्या है। टाइम देखिए 5:44 और हमारी बस आ चुकी है, हम जा रहे हैं अपनी बस की तरफ। भाई साहब बस आ गई, बस दिखाते चल के आपको, बहुत मजा आएगा। रास्ता जो यहाँ पे है, हमारा सामान यहाँ पे सेव हो जाएगा। ये आगे सामान भैया अंदर रख देंगे, पानी की बोतल अभी अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो हमारा जो एक लगेज ये, एक लगेज ये अंदर सेट हो जाएगा भाई साहब। और ये अपनी पूरी बस खड़ी है, देख लीजिए 2x2 का कॉम्बिनेशन। और सामान सामान रखने की व्यवस्था देखिए ऊपर दी गई है, ब्लैंकेट ब्लूंकेट भी दिया गया है और फुली AC। और थोड़ा बैठते हैं, थोड़ा सा सेटल हो जाए, उसके बाद जो है आपको उसका रिक्लाइनर सीट में क्या क्या फंक्शन है सारा कुछ आपको दिखाया जाएगा। देख लीजिए रिक्लाइनर सीट मिल जाती है और विंडो देखिए भाई साहब कितनी बड़ी है। सारी सीटों में आपको जो है एक चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा और यहाँ पे न्यूज़पेपर होल्डर, लेग रेस्ट और ये हैंड रेस्ट मिल जाएगा भाई साहब सब सीटों में। भाई उस तरह का इंटीरियर है भाई साहब, कितना खूबसूरत मिल गई है। 10 रुपये वाली सभी सीटों में लगी हुई है, पहले 2 लोग हैं तो 2, इधर भी 2 बोतल आपको मिल गई है, 3 लेगी। ये पॉइंट है पावर सॉकेट का और सारे सीटों में आपको USB पॉइंट भी मिल जाएगा। दिखा देते हैं मैडम, दिखाएंगे हमारी रिक्लाइनिंग कितना होता है। पूरा कर दो, देखो और करो और होगा। हाँ ये देखो कितना हो गया, तो हो गया मतलब मज़ा, आराम से लेट सकते आदमी ना, नींद बढ़िया आएगी आपको। जो है AC का वेंट मिल जाता है, देख लीजिए लाइट वेट शायद चलती नहीं है, AC लगा वैसे 2 लोगों के लिए। करंट टाइम देखिए 6:39 और अपनी जो है बस मनाली के लिए निकल चुकी है भाई साहब। मजा आ रहा है आपको? हाँ यही चलाते रहेंगे भैया, यही चलाएंगे। फाइनली दोस्तों हम निकल चुके हैं भाई साहब ISBT कश्मीरी गेट बस स्टैंड से। भाई साहब पहली सीट कराई इसलिए भाई साहब पूरा आगे का व्यू ले सके, इसीलिए ताकि आप लोग भी मज़े ले सको भाई साहब हमारे वीडियो के। कुल डिस्टेंस की बात करूँ दिल्ली से मनाली तक, तो हम लोग करीब कम मान के चलिए 550 किलोमीटर जर्नी तय करेंगे। इसको तय करने में हमको लग जाएगा करीब 10 से 12 घंटा कम से कम लगेगा। और मेरे ख्याल से रूट जो ये जिससे होकर जाएंगे ये आपका पानीपत, सोनीपत, करनाल, अम्बाला और उसके बाद चंडीगढ़, फिर उसके बाद मंडी होते हुए, कुल्लू होते हुए सीधे मनाली। बाकी ये करनाल बाईपास अभी आने ही वाला है, बाकी यहाँ पे बस रुकी है, कुछ पैसेंजर्स यहाँ से भी चढ़ रहे हैं। बाकी अब ये देख सकते भाई साहब जाम लगा, भाई साहब दिन बहुत मुश्किल से हम लोग जाम निकल के आए हैं ISBT से, फिर यह जाम में फंसे हैं। तो बाकी ये लोग हम बोर्ड कर रहे हैं कुछ पैसेंजर्स, ये बोर्ड हो जाए फिर हम निकल जाएंगे आगे के लिए करनाल बाईपास। फिर ढाबे में रुकेगा मूर्थल के पास, फिर आपको वहाँ का फूड का रिव्यू भी दिया जाएगा भाई साहब। पहले बस यहाँ से चले फिर निकले दिल्ली के जाम से, फिर थोड़ा सुकून मिलेगा दिल को। ये देखिए करंट टाइम हो रहा है अभी 7:23 और अब हम निकले हैं भाई साहब आ गए हैं करनाल बाईपास। भाई साहब इतना जाम लगा था दिल्ली में, जाम निकल के अब हम लोग आए हैं भाई साहब।
अपनी गाड़ी से आ सकते हो, करीब 12-14 घंटे की ड्राइव है, अपने हिसाब से रुक रुका के आ सकते हो। बाकी आप वोल्वो से आ सकते हो और अगर ट्रेन से भी आ सकते हो भाई साहब, ट्रेन से अगर आते हो तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रहता है वो चंडीगढ़ का। अगर फ्लाइट से भी आ सकते हो भाई साहब, फ्लाइट बस से तो नहीं जाए थे। बाकी अगर आप फ्लाइट से आते हो ना तो कुल्लू का भाई साहब एयरपोर्ट है वो मनाली से बिल्कुल हार्डली 50-60 किलोमीटर दूर है। बाकी लेकिन फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी फेयर बहुत ज़्यादा रहती है। तो लगे तो जो है आपको जो है अपनी स्कानिया वोल्वो की स्पीड भी देख लीजिए भाई साहब, 83 की स्पीड चल रही है और वो जो भैया के पास जो स्पीडोमीटर है उसमें मैं देख पा रहा हूँ 120 तक जा सकती है मैक्सिमम। बाकी हम देखिए 87, 88, 90 मेरे ख्याल से लोकल में 100 तक तो चलेगा लेकिन पहाड़ पर जाने के बाद हो जाएगा 30-40। पहाड़ों पे 30-40 ऊपर चल ही नहीं पाएगी भाई साहब, क्योंकि राउंड राउंड होता है वो 6 घंटे का पहाड़ चलेगा चंडीगढ़ के बाद से मेरे ख्याल से पहाड़ चालू हो जाता है, वो उसी में मेन टाइम लगता है। इसमें तो अगर 100-110 में भागे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम लोग पहुँच चुके हैं इस टाइम मूर्थल पर, देख लीजिए भाई साहब सारे ढाबे यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं, पहलवान ढाबा, गुलशन का ढाबा, पार्क प्लाजा और ये आगे आपका गुलशन, ये भी गुलशन, सारे ढाबे देखे लाइन से मन्नत आगे आएगा अमृत सुखदेव भाई साहब, दिल्ली वालों की फेवरेट जगह है जो अमृत सुखदेव। तो स्वागत है आप सभी का भाई साहब अमृत सुखदेव में, देख लीजिए आगे भाई साहब दिल्ली वालों की फेवरेट जगह अमृत सुखदेव, अरध्या पॉल की फेवरेट जगह ये। जो है ब्रेक दे दिया गया है, करीब हम लोगों ने 150 किलोमीटर जर्नी तय कर ली है, करंट टाइम देख सकते हैं 10:10, तो 6:30 चले थे लेकिन काफ़ी टाइम बाद रुके हैं लोग। चलिए कोई नहीं, अब जो है थोड़ा सा जो है हल्के होएंगे और थोड़ा सा खाना वाना खाएंगे, चाय व पियेंगे, फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू की जाएगी। बाकी अपनी बस खड़ी पीछे देख सकते हैं, लोग अभी उतर रहे हैं, चल के देखते हैं क्या मिलता है खाना और खाने का रिव्यू भी दिया जाएगा। तो हम लोग अभी यहाँ रुके हैं, बाकी यहाँ का मेन्यू देख लीजिए ये रहा, लेकिन यहाँ पराठे पराठे आपको कुछ नहीं मिलेंगे, पूरा मेन कोर्स का सामान है, दाल चावल रोटी नान वन ये सब मिल जाएगा आपको। तुमने क्या ऑर्डर किया? मैंने रोटी और वो मिक्स वेज किया, कुछ है उसमें पराठे नहीं, पराठे खाने का मन था लेकिन पराठे खा सकते थे लेकिन है नहीं पराठे। बाकी यहाँ पे कुछ इस तरह की सीटिंग कैपेसिटी ये देख सकते हैं, ये ओपन का है वो खड़ी अपनी बस सामने, और वो अंदर जो है 250 रुपये का एक प्लेट मिलेगा, शेयर नहीं कर सकते अंदर बैठना है। बाकी यहाँ पे बाहर बैठेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, मलाला काटते हैं आप फूड ऑर्डर कर सकते हो, मिल जाएगा आपको बाहर खाने के। लगता है ना भाई साहब ढाबे में रुको तो पराठा मिलना बहुत ज़रूरी है, और ये ऐसी जगह रोका जहाँ के भाई साहब पराठा अच्छा नहीं, बाकी खाना देखते कैसा होगा, बढ़िया होना चाहिए नहीं तो भाई साहब रिव्यू है गड़बड़ हो जाएगा यहाँ का। हम लोग जो है मिक्स वेज रोटी ऑर्डर किया आ चुका है सैलड के साथ, खाना तो बढ़िया लग रहा है, देखा है खाना अच्छा है भाई साहब, खाना खा सकते बिल्कुल रिकमेंडेड है। मिक्स वेज और रोटी के बाद साफ सुथरा सामान, 4 रोटी मिक्स वेज और ये कुल्हे, कैसा लग रहा है खाना? टेस्टी। हाँ बोलो। अभी मैं फ्रेश होकर आई हूँ वॉशरूम और खाना खाकर, तो अभी मैं अभी सोकर मिलती हूँ। तो इसका कहने का मतलब है हम लोगों ने खाना खा लिया भाई साहब, फपक के पेट हम लोग पूरा भर चुका है, अब जाएंगे सोएंगे, ये बस खड़ी हमारी अनाउंसमेंट हो रही है भैया खाना ना खा लिए तो आ जाइए, आधे घंटे का टाइम तो बस जाके सोएंगे और भाई साहब पसड़ के सो जाएंगे सुबह उठेंगे। तो दोस्तों हमारी जो करंट लोकेशन इस टाइम कुरुक्षेत्र है, हमने यहाँ पे खाना वाना खा लिया, पेट मजा आया खा के, अब जाएंगे भाई साहब सोएंगे और यहाँ से करीब 350 किलोमीटर जर्नी हमारी और बची है, तो सुबह के 7-8 बजे तक पहुँच जाएंगे, तो मान के चलिए कम से कम 8 घंटे की जर्नी हमारी बच रही है अभी। स्वागत है आप सभी का चंडीगढ़ में, जो कि 6 महीने हरियाणा की राजधानी और 6 महीने पंजाब की राजधानी है। बाकी यहाँ पे हम पहुँचे हैं, करंट टाइम आप देख लीजिए 12:10, तो 6:30 चले थे और 12:30 करीब हम पहुँच गए चंडीगढ़, तो यहाँ पे भी रुके कि कुछ सवारियाँ यहाँ से डीबोर्ट कर रहे हैं, कुछ सवारियाँ चढ़ेगी, तो मान लीजिए 10 सवारियाँ उतरनी, 10 सवारी चढ़ेगी, जैसे चढ़ जाएगा फिर निकल जाएंगे आगे के लिए, आगे शायद पंचकूला के रास्ते होकर जाएगी मंडी, मंडी के रास्ते मनाली कल सुबह 6:30-7 तक पहुँच जाएंगे। बाकी देख सकते हैं आप चंडीगढ़ में जो है अपने ट्रेल बस का जो है रीफिलिंग हो रहा है, अभी देख सकते हैं 70 लीटर करीब आ चुका है इसके अंदर, डीजल डल रहा है भाई साहब, और यहाँ डीजल चल रहा है इस समय 84.25 रुपये। तो टोटल अब देखिए भाई साहब इसमें आया है 161 लीटर तेल, 13,564 रुपये का भाई। करंट टाइम देख लीजिए भाई साहब 12:37 परम भाई साहब चंडीगढ़ को जो है अलविदा बोलने का टाइम हो चुका है, करीब 20-25 मिनट कॉल के बाद निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन मनाली के लिए।
रात में ज़्यादा कोई है नहीं दिखाने का, तो तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। सुबह मिलते हैं आपसे डायरेक्ट, गुड नाइट। देखिए 6:58 7 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं भाई साहब मनाली के वोल्वो बस स्टैंड। देखिए कितनी भीड़ है भाई साहब, लोग छुट्टी मनाने आए, सारी वोल्वो बसें यहीं खड़ी मिलेंगी आपको और पिकअप भी यहीं से होता है। अगर दिल्ली जाने के लिए बस भी आपको यहीं से मिलेगी और ड्रॉप भी यहीं पर होता है और हमारा ड्राइवर भी अभी आया होगा यहाँ। हमारी जर्नी जो रही दिल्ली से मनाली की स्कैनिया लक्ष्मी हॉलीडेज में ख़त्म हो गई है और पीछे देख सकते हैं हमारी बस खड़ी है और ये पूरी पलटन यहाँ पे तैयार है। तो बाकी रिव्यू बताएं तो बस बहुत बढ़िया रही, ड्राइवर भाई साहब एक नंबर का, क्लीनलीनेस एक नंबर की, कंफर्टेबल अच्छी थी। आप लोग बिल्कुल लक्ष्मी हॉलीडेज के स्कैनिया में ट्रैवल कर सकते हो। बाकी हमारे ड्राइवर भैया देख सकते हैं भाई साहब 12 घंटे की जर्नी ऐसे कंप्लीट करते पता भी नहीं चला भाई साहब, ऐसे ड्राइवर हो तो भाई साहब क्या ही बात है। आपका नाम क्या रहेगा? कपिल मलिक। कपिल जी है भाई साहब, ये अपने स्कैनिया चलाते हैं लक्ष्मी हॉलीडेज की, बढ़िया बंदे भाई साहब, इनके लिए एक लाइक तो बनता है जरूर। थैंक यू सो मच भैया। भाई साहब बस स्टैंड निकल के हमने थोड़ा चाय पिया, ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि हाथ कांप रहा है भाई साहब, उसको पकड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। धुआं दिखाओ मुझसे, मुझसे धुआं निकल रहा, दिखाओ। बस स्टैंड के बाद आपको खाने पीने की व्यवस्था मिल जाती है, चाय मैन बिस्किट मैगी मूगी सब व्यवस्था है। बाकी हमारा ड्राइवर आ चुका है, चल के बैठते हैं और होटल चल के चेक इन करते हैं।